डेफिनेटली कोई कंट्रोल नहीं रहता जो अच्छा खाना सामने आ जाए, मतलब दिमाग में कोई थॉट्स भी नहीं आता, बस पेट में ऑटोमेटिकली चला जाता है, मैं कुछ करती भी नहीं हूँ तो उस मामले में। कोई इंसिडेंट? इंसिडेंट्स खाने के बारे में तो हमेशा होता है। इवन साबिर सर इज़ अ वेरी बिग फूडी, आई आई वुड से कि इवन साबिर सर काफ़ी बागी है खाने के मामले में। आई थिंक फिलहाल जितना बोलो उतना कम है, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक, पर बाकी डायरेक्टर साहब आप कुछ बताएंगे। आई डोंट नो हाउ मच आई एम अलाउड टू से। इनके साथ क्या बगावत थी? क्या की बगावत? अभी तक पिक्चर देखी नहीं मैंने पूरी कंप्लीट, देखने के बाद बगावत करूंगा इनके साथ। ओके टाइगर, आई थिंक अभी एक उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन है। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि एक मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ विद साजिद सर एंड साबिर सर। आई मीन देयर आर फैंटास्टिक विनिंग फार्मूला, और मेरे साइड से आई एम गोइंग टू डू माय बेस्ट टू नॉट लेट देम डाउन। आई थिंक आई हैव वर्कड हार्ड इनफ, बाकी तो आपके हाथों में। आई थिंक द ऑडियंस इज इफ दे एक्सेप्टेड हीरोपंती, आई थिंक दे डेफिनेटली गोइंग टू बी इन फॉर अ ट्रीट विद बागी। जी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा अभी फिलहाल, इट्स टू अर्ली, पर या बिल्कुल होगा ही होगा सर। अभी सलमान सर इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ आवर कंट्री एट द मोमेंट, और मैं एक न्यू कमर हूँ, तो खासकर मेरे लिए बहुत ही अनफेयर चीज़ है अगर आप ये कंपैरिजन कर रहे हो तो। पर हाँ, कोशिश करूँगा टू नॉट लेट माय टीम डाउन एज आई सेड, एंड आई जस्ट होप मेहनत का फल मिलेगा सर। मैंने सुबह से 3-4 सरप्राइजेज है, और क्या है जब 2-3 फिल्में बनाते हैं तो कोई ना कोई सेट पे एक बर्थडे आ ही जाता है सर। पर वेरी स्वीट के वक्त निकाल रहे, एंड लास्ट 2 दिन बाकी फिल्म कम्प्लीट हो रही है, एंड वेरी स्वीट। हर साल हम लोग एक केक काटते कोई ना कोई फिल्म पे। थोड़ा मतलब ये मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी यार थोड़ा ट्रेलर भी नहीं आया है, कुछ नहीं आया। मैं कुछ नहीं बोलूंगी इसके बारे में अभी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।